ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को चार युगों में बांटा गया है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही घटित होता है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने एक विवाद का रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास जी के पास जा पहुँचे। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शुद्र ही श्रेष्ठतम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी और लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां है और सबसे धन्य भी वही है। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि आपने अभी जो कुछ भी कहा है कृपया उसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाइए। इतना सुनने के बाद व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जप तप यज्ञ होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने तथा कलिकाल में मात्र 1 ही दिन में आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है और उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसी कारणवश कलयुग को श्रेष्ठ बताया गया है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन या तपस्याएं करनी पड़ती है, परंतु शुद्ध ब्राह्मण की सेवा और उसके आशीर्वाद मात्र से यह पुण्य बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रिया अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती है तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती है, इसलिए स्त्रियों को धन्य कहा गया है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए विवाद का निवारण करके कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया अपने मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।